भाई ये कंप्यूटर में आप क्या करोगे, ये कस्टमर्स का क्वेश्चंस रहता है। इस पीसी में आप गेमिंग कर सकते हो, स्टैंडर्ड 100 FPS तक आपको वैलोरेंट जैसे गेम में आ जाते हैं, और 4K लेवल का एडिटिंग रहता है। उतने हाई स्पीड से एडिटिंग नहीं, मतलब 4080 अगर आपका 6 घंटे में काम करता है तो ये आपका कम से कम 3 दिन तक रेंडर करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स कैसे हो, आई होप आप सब ठीक हो। मेरा नाम है किशन, आप देख रहे हो SCL गेमिंग। यार 60 के अंदर ठाट वाला पीसी, मतलब एकदम सुपर पीसी बिल्ड किया है जिसके अंदर आप अच्छी तरह से गेमिंग, स्टैंडर्ड गेमिंग कर सकते हो और उसके अलावा एडिटिंग भी कर सकते हो। आपको ज़्यादा गेमिंग नहीं करना है, RTX लेवल का ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए, लेकिन स्टूडियो वर्क का भी है, ज़्यादा स्टोरेज भी चाहिए, रैम भी अच्छी चाहिए, ग्राफिक मेमोरी 4GB तक चाहिए, प्रोसेसर थोड़ा स्टेबल वाला चाहिए, मदरबोर्ड थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का चाहिए, और एक पीसी सुपर लुक्स में भी चाहिए, गुड एयर फ्लो के साथ में भी चाहिए, तो उसका ये सॉल्यूशन है। ये पीसी ऑलमोस्ट एक 60,000 के बजट के अंदर बनने वाला अल्टीमेट पीसी है, जिससे आप गेमिंग भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड एडिटिंग भी कर सकते हो, आपके ऑफिस यूज़, होम यूज़ सब कुछ आप कर सकते हो। इस पीसी का बनाने का मोटो ये है। काफ़ी कस्टमर ये भी बोलेंगे, यार आपने क्या 60,000 के अंदर पीसी बनाया और ग्राफिक कार्ड अभी भी 1650 ग्राफिक कार्ड यूज़ किया। भाई सिर्फ ग्राफिक कार्ड से पीसी नहीं बनता है भाई, बाकी आइटम का भी स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए सभी कॉन्फ़िगरेशन एक प्रॉपरली करना पड़ता है। चलो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार 2060 नहीं लेना चाहिए या फिर 3060 नहीं लेना चाहिए, आपका बजट और है तो आप इसके अंदर 3060 जैसा ग्राफिक कार्ड भी स्वैप अप करवा सकते हो। आई मीन ये पीसी के साथ में सेम टू सेम 3060 ग्राफिक कार्ड 12GB VRAM के साथ में अगर आप बिल्ड करते हो तो आपको ऑलमोस्ट एक 75,000 के बजट के अंदर जाता है। हर एक कस्टमर को 3060 जैसे ग्राफिक कार्ड की नीड नहीं रहती है, उनको उतना ज़रूरत भी नहीं रहता है। वो बोलते हैं यार वैलोरेंट जैसे गेम, हमारा बेसिक गेम्स वगैरह हम खेलते हैं, हमारे लिए 1650 ग्राफिक कार्ड मोर देन एनफ है। मुझे पता है आपको तो 4080 की जैसे नीड है, तो हम 4080 भी रहने दो, 3080 भी रहने दो, या 4090 भी रहने दो, जैसा आपकी डिमांड रहेगा वैसा हम पीसी बिल्ड करते हैं। ये मेरा स्पेशली कस्टमर ईरोड से ट्रैवल करके आया है, तमिलनाडु के एक कोने से बैंगलोर को ट्रैवल करके आया है कि यार मुझे एक 50,000 से 60,000 के बीच के अंदर एक बेस्ट पीसी चाहिए, मैं हर तरह की गेमिंग भी करता हूँ और मुझे उतने गेमिंग भी ज़रूरत नहीं है और मेरा ऑफिस काम भी है, एडिटिंग भी है, तो उनके लिए ये बेस्ट है। सो प्रोसेसर हमने इनके लिए चूज़ किया 5600X, राइजन 5 5600X इज़ अ बेस्ट बजट इकोनॉमिकल प्रोसेसर इसको बोल सकते हैं। पहले इसका रेट काफ़ी ज़्यादा होता था, अभी न्यू 7000 सीरीज़ आया तो इसके प्राइसेस काफ़ी स्लैश हुए। तो 5600X बेस्ट 6-कोर 12-थ्रेड प्रोसेसर है जिसके अंदर 35 MB कैश मेमोरी रहता है। बेस्ट प्रोसेसर मैं तो से बताऊँ तो काफ़ी बिकने वाला प्रोसेसर ये है, कुछ तो है इसके अंदर तब इतना सेल हुआ है। तो ये प्रोसेसर का परफॉर्मेंस आपको स्टेबल रखना है तो आफ्टर मार्केट का एक कूलर लगाना काफ़ी अच्छा रहता है, रिकमेंडेड रहेगा। डिस्क्रिप्शन पे जो कूलर मैं इसके लिए मिनिमम बजट का रिकमेंड करता हूँ वो भी मैं डाल दूंगा। कस्टमर ने बोला है कि यार मेरे को स्टॉक कूलर के साथ में काफ़ी है, एयर कूलर अगर चाहिए तो मैं बाद में अपग्रेड कर लूँगा। तो ये तो हो गया प्रोसेसर, इस प्रोसेसर को एक अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देना, वो भी स्टेबल परफॉर्मेंस देना, वाईफाई ब्लूटूथ भी मुझे चाहिए। मेरे को रेगुलरली जैसे कि प्रो सीरीज़ MSI का, गीगाबाइट का UD सीरीज़, ASUS का प्राइम सीरीज़ से बेटर ORUS सीरीज़ लगता है, क्योंकि ORUS जिस प्राइस टू परफॉर्मेंस आ रहा है, 10+2 डिजिटल VRAM फेज रहता है इसके अंदर, टाइप सी पोर्ट भी है, USB 3.0 भी है, M.2 है, दो पोर्ट, Gen 4 Gen 3 सब सपोर्ट कर देता है, 4-4 RAM स्लॉट है, और मेरे Ryzen 5 प्रोसेसर के लिए ये बेस्ट है। ORUS है, हीट सिंक क्वालिटी काफ़ी अच्छी आएगी, आप खुद देख सकते हो हीट सिंक के अंदर ORUS सीरीज़ का जो रहता है ना, M.2 के लिए भी एक अलग से प्रोटेक्शन रहता है ताकि क्या है कि आपका हीट सिंक भी प्रॉपरली रहे। तो ये मदरबोर्ड एक प्राइस टू परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट है। रैम भी इस कस्टमर ने जो लिया है 16GB की रैम लिया, 8 8GB की दो रैम लिया है, RGB इंटेक के अंदर उतना नहीं चाहिए था इसलिए उन्होंने 8 8GB का दो रैम लिया है, तो ये वाला रैम उन्होंने लिया है। SSD इस पीसी के लिए जो है ना M.2 स्लॉट का एक मेन स्टोरेज लिया 500GB का, जो NVMe है ताकि उनके सॉफ्टवेयर वगैरह इस पीसी के अंदर उनके रह जाए, और जो भी है सेकेंडरी फाइल्स वगैरह हैं उनके रखने के लिए इन्होंने 2 TB का स्टोरेज लिया है, जिसके अंदर उनके वीडियोस, छोटे मोटे गेम्स, उनके फाइल वर्क या प्रोग्राम वगैरह जो भी रहेगा, एडिशनल जो डाटा रहेगा इस 2 TB के अंदर रहेगा। और इस पीसी के लिए जो ग्राफिक कार्ड हमने यूज़ किया MSI की तरफ से आने वाला GTX 1650 GDDR6 के अंदर OC वर्जन का यूज़ किया। ये ड्यूल फैन के अंदर आता है, सिंपल ग्राफिक कार्ड है, सिंगल फेज पावर के अंदर सपोर्ट करता है, एक पिन ही लगाना पड़ता है, मतलब 4 पिन का जो रहता है ना 3 पिन का, वो एक ही केबल लगा दो
आपका ये ग्राफिक कार्ड चल जाता है। हाई वोल्टेज पावर इसको लेता नहीं है, इसीलिए हमने 550 सीरीज़ का ये एक बजट इकोनॉमिकल का सर्कल का SMPS यूज़ किया। ये एक 80 प्लस ब्रॉन्ज रेटेड में आता है और तीन साल वारंटी के साथ में आता है, और जिनको बजट इकोनॉमिकल PC चाहिए उनके लिए पावर सप्लाई काफ़ी अच्छा रहता है। अभी आते हैं केस कस्टमर ने थोड़ा स्पेसियस लिया, बड़ा लिया है, इन फ्यूचर में कभी भी उनको अपग्रेडेशन करना ईजी रहेगा। ये आता है शार्कून के ब्रांड की तरफ से, फ्रंट में 3 फैन, बैक एक एग्जॉस्ट फैन, टॉप 360 mm लिक्विड कूलर सपोर्ट करता है, USB 3.0 के दो पोर्ट आते हैं, टाइप सी पोर्ट रहता है, बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस वाला PC इसको बोल सकते हैं। भाई ये कंप्यूटर में आप क्या करोगे, ये कस्टमर्स का क्वेश्चन रहता है। इस PC में आप गेमिंग कर सकते हो, स्टैंडर्ड 100 FPS तक आपको वैलोरेंट जैसे गेम में आ जाते हैं, और 4K लेवल का एडिटिंग रहता है, उतने हाई स्पीड से एडिटिंग नहीं, मतलब 4080 अगर आपका 6 घंटे में काम करता है तो ये आपका कम से कम 3 दिन तक रेंडर करना पड़ता है, मतलब वो 1 घंटे में काम करेगा, ये 6 घंटे के अंदर काम करेगा आपका। उनको उतना प्रॉफिट नहीं रहता है एडिटिंग करने से, जिनको बेसिक ग्राफिक कार्ड से काम चल जाता है उनके लिए ये परफेक्ट ग्राफिक कार्ड रहता है। चलो हम फाइनली आपको ये बोलेंगे, हमारा स्टोर एक ऐसा एकमात्र स्टोर है जो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से कस्टमाइजेशन कर बेस्ट टू बेस्ट वैल्यू पे, बेस्ट टू बेस्ट प्राइस पे, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि दूसरे सेलर्स ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन हमारा मोटो यही रहता है कि आपको 100% जीनियन प्रोडक्ट दें, और आपके घर तक जब वो PC पहुँचे तो एक कम से कम 6 से 7-10 साल तक आप उस PC को हंसते यूज़ करें। फाइनली यही बोलूंगा, आपको भी ऐसा PC बिल्ड करना है, डिस्क्रिप्शन पर नंबर रहेगा, लोकेशन रहेगा, सुपर कंप्यूटर लैपटॉप को एक बार जरूर कांटेक्ट करना। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी कुरियर भी मंगवाना चाहते हैं तो SCL गेमिंग की तरह से आपको ऑल ओवर इंडिया शिपिंग भी मिलती है। चलो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि भाई ये बिल्ड कैसा था और नेक्स्ट आपको किस तरह का PC बिल्ड चाहिए। और थैंक यू सो मच।